आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। नेता नहीं है हम, विधायक सांसद नहीं है, मुखिया सरपंच भी नहीं है, किसी का कुछ मदद भी नहीं करते। 18 महीना से पैदल चल रहे। लोग पूछ रहा है भाई पैदल क्यों चल रहे। विधायक जी ने बात कही कि आप तकदीर बदल सकते हैं। हमको ऐसा कोई भ्रम नहीं, हम पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज का जीवन बदलने का संकल्प लेकर चले हैं, ये तय किया है कि कम से कम एक बार जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस गरीबी और बदहाली में जी रहे। हम लोग बच्चा थे तो कहानी में सुनते थे, पुराने जमाने में जो राजा होता था वो लोग रात में भेष बदल कर निकलते थे ये देखने के लिए कि प्रजा को क्या दिक्कत है। अब आजकल जिसको हम और आप राजा बनाते हैं वोट देके, रात का बात तो छोड़िए, एक बार जीत कर गया तो 5 वर्ष अपना मुंह भी नहीं दिखाता, इसीलिए पैदल चल रहे। वोट नहीं मांगते। लोग पूछ रहा है भैया वोट काहे नहीं मांग रहे। बिहार में विकल्प नहीं है, वो दल बनाइए, आप ही के पीछे हम लोग चलेंगे, आप ही बिहार को सुधारिए। तो वोट काहे नहीं मांगते। वोट मांगने वाला आदमी तो हर 2-3 वर्ष पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे आपका सब काम हो जाएगा। कोई जात के नाम पर, कोई झंडा के नाम पर, कोई विचारधारा के नाम पर, कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर, कोई 5 किलो भात के नाम पर आपसे वोट लेकर गया। आपने जिसको भी वोट दिया सबका जीवन बदल गया, लेकिन आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। आप 40-45 वर्ष तक कांग्रेस को वोट देकर गद्दी पर बैठाए, उसके बाद 15 वर्ष लालू जी को हम लोग राजा बनाए, अभी 18 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं, 10 वर्ष से मोदी जी भी दिल्ली में बैठे हैं अभी, लेकिन आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का आदमी धोखा किया वैसे ही हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। ये अभियान इसलिए चला रहे हैं कि आपको गांव-गांव जाकर वो रास्ता बताएं। अभी 15 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे, आप उसको समझ अगर जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और ना ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। बिहार में ज्यादातर आदमी इसी में अपना माथा फोड़ रहा है कि बिहार को बर्बाद कौन किया। कोई कांग्रेस को गाली दे रहा है, कोई लालू जी का शिकायत कर रहा है, कोई नीतीश को गरिया रहा है, कोई मोदी को दोष दे रहा है। हम बिल्कुल उल्टा बात बता रहे। एक बार को मान लीजिए कि जिसको भी आपने वोट दिया, जिसने भी बिहार में शासन किया, सब ने अपने से अच्छा काम किया। मान लीजिए कि कांग्रेस ने बिहार में विकास किया, ये मानिए कि लालू जी के राज में गरीबी और वंचित जो आदमी था उसको आवाज मिल गया, इस बात के लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए। ये मान लीजिए कि नीतीश के राज में सड़क बिजली बन गया, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से देश का चर्चा बढ़ गया, लेकिन अगर सबका बात सही मान भी लीजिए तो भी इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं
कि बिहार आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी वाला राज्य है। आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए आज तक व्यवस्था नहीं हुआ, रोजी रोजगार का जुगाड़ नहीं हुआ। हरियाणा पंजाब से कोई आदमी आकर आपके गांव में मजदूरी नहीं करता है, आपके बच्चे हमारे बच्चे जाकर वहां मजदूरी करते हैं। तो कोई तो ऐसा दिक्कत है जिसके वजह से बिहार सुधर नहीं रहा, वही आपको बताने आए। अभी आपको बताएंगे कि आखिर ये दुर्दशा क्यों है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। देखिए, दुनिया में जितना लोग विद्वान हुए उन्होंने बताया गरीबी से निकलने के तीन रास्ते हैं। तीने को रास्ता है गरीबी खत्म करने का। पहला रास्ता है नौकरी, दूसरा रास्ता है खेती और तीसरा रास्ता है व्यापार। नौकरी होगा तो गरीबी खत्म होगी, बढ़िया खेती हो तो उससे भी जीवन सुधर सकता है, दोनों नहीं है दुकान व्यापार हो तो भी जीवन चल सकता है। नौकरी के लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, बढ़िया पढ़िएगा तब नौकरी मिलेगा। खेती के लिए आपके पास जमीन होना चाहिए, जमीन होगा बाढ़ सूखा नहीं पड़ेगा तो खेती से आमदनी होगा। और बिजनेस व्यापार करने के लिए पैसा पूंजी होना चाहिए, पैसा पूंजी होगा तो रोजी रोजगार दुकान व्यापार कर पाइएगा। बिहार में आप ध्यान से देखिएगा, अपने गांव पंचायत में देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ रहने वाले ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। हाँ, यहाँ जो गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का उपाय नहीं है। विद्यालय में गया पढ़ने आपका बच्चा, वो पढ़ा नहीं, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से पैसा वाले जो लोग हैं अपने बच्चों को ट्यूशन या कोचिंग करा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। वो इसलिए कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो आपके बच्चे को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो नीतीश बाबू के इस बिहार में स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो आप चाहे जिस जात के हो, जिस धर्म के हो, कोई आपका मुखिया हो, कोई विधायक हो, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, आपके अनपढ़ बच्चे को दुनिया में कोई डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी बेरोजगारी में ही जीवन बिताना पड़ेगा। पढ़ाई का सुविधा ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? खेती करके पंजाब हरियाणा का आदमी राजा हो गया, बिहार में अभी आदमी भीख मांग रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए यहाँ जो 100 आदमी हम लोग रहते हैं, अपने गांव पंचायत में भी देख लीजिए, 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीने नहीं है, तो बेचारा खेती करेगा कैसे? आज जो 40 आदमी खेती कर रहा है, जिसके पास थोड़ा बहुत जमीन है, उस 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेतिहर है। तो बिहार में खेती करने वाले लोग कमाने के लिए खेती नहीं करते हैं, आप खाने के लिए खेती करते हैं। आपके खेत में उतना ही उपज रहा है कि आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, नून तेल कपड़ा का जुगाड़ हो जाएगा, कमाई का जुगाड़ नहीं है। खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो बिना एक टू कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो यहाँ रहने वाले लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है, खेती से आमदनी है नहीं। एक रास्ता बचा, अगर आपके पास पैसा होता, कोई कर्जा भी दे दे, तो हर घर में कुछ न कुछ रोजी रोजगार व्यापार दुकान आप करने लगते। कुछो नहीं करते तो कम से कम 4 गो गाय भैंस पाल लेते, वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए
कि बिहार में रहने वाले 100 में 80 आदमी, इसको याद रखिए, नेता आके चाहे जितना बात करे, बिहार में रहने वाला 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता, 100 रुपया भी नहीं कमा रहा है। इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, रोजी रोजगार व्यापार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा। यही कारण है कि आप जिसको वोट देना है दे दीजिए, सरकार चाहे सड़क बना दे कि बिजली ला दे, 5 किलो आपको अनाज दे दे कि 400 रुपया पेंशन दे दे, सिलेंडर बांट दे कि शौचालय बना दे, ये सब काम सरकार ने किया है, लेकिन आपका गरीबी दूर नहीं हुआ। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार हो, गरीबी दूर तब होगा जब खेती से आपको आमदनी हो, गरीबी दूर तब होगा जब घर घर लोगों को रोजी रोजगार करने के लिए पैसा हो, पूंजी हो। अब आप पूछिएगा, इतना बात तो सबको बुझा रहा है, ये बताइए ये होगा कैसे। अभी 15 मिनट में आपको यही बात बताएंगे, आपको वो रास्ता बता के जाएंगे, अगर आपको समझ में आ जाए तो जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए और अपने बच्चों के लिए तीनों चीज का गारंटी हमसे लिख के ले लीजिए, न होगा तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। अब आपको जिसको रास्ता समझना है सबको 4 सवाल का जवाब देना है, भाषण खत्म। अब आपसे 4 सवाल पूछेंगे एक एक करके, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है, हाथ उठा के आप जवाब दीजिएगा, आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये काम होगा कैसे। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आइए जरा हाथ जोर से मुंह खोल के बोलिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं बोले, अभी गांव भर का आदमी बोल रहा है कि भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए, चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़ा है या पिछड़ा, गरीब अमीर, महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान, बूढ़ा बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतना समझदारी तो आप सबको है, किसी नेता और दल का जरूरत नहीं है कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए तो कोई मुखिया बने कोई विधायक बने आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। तो जितना आप समझदार लोग आए हैं, अब देखिए 1 मिनट में अपने बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है। देखिए अपने पूरा गांव का दुर्दशा देखिए, अभी कितना जोर से बोले हैं ये भैया पढ़ाई होना चाहिए, अब पूरा गांव में एक को आदमी नहीं है जो पढ़ाई के लिए जीवन में एक को बार वोट दिया, नेता के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए भी आपने वोट नहीं दिया, यही आपके बर्बादी का पहला कारण है। आपको मालूम है कि आपका बच्चा पढ़ेगा तो उसका जीवन सुधरेगा, लेकिन आप कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए। कुछ आदमी खड़ा होके कहेगा ये पढ़ लिख के भी क्या होगा, पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलता तो छोड़िए पढ़ाई का बात। इतना तो आप सबको बुझा रहा है कि अगर आपके गांव में फैक्ट्री लग जाए आपके बाल बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया, आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं करते हैं, रोजी रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए, खेती तो सब यहाँ लोग करता है, अभी धान कटा है 2 महीना पहले,
धान का भाव है 2500 रुपया क्विंटल, आप बेचे 1600-1700 में। पंजाब हरियाणा का किसान जो 2100 में धान बेचा है वो दिल्ली में जाके मोदी जी को रोड पर घेरा है, और 1700 में धान बेचने वाला बिहार का किसान घर में दाल भात चोखा खा के बैठा है। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा रे भाई? जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने धान गेहूं के दाम के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भाई इसका क्या गारंटी है कि रोजगार के लिए हम लोग वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा? हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, मोदी जी को वोट दिए थे रोजगार के लिए, कहां रोजगार मिला? हम आपको बता रहे हैं, अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे कि कैसे वोट दीजिएगा तो वोट चाहे मोदी को दीजिए कि लालू जी को, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपको रास्ता दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया है वो नेता लोगों ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। जोर से बोलिए, हाथवा उठाइए, बोलिए हाँ कि ना। अरे नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? हम अपना गर्दन फाड़ रहे हैं और आप यहाँ बैठ के कथा सुनने आए हैं। जवाब दीजिएगा तो बात बोलेंगे, न दीजिएगा तो हमको और चलने के लिए बहुत रास्ता बाकी है। आप बताइए कि जिसको आपने वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोला है, पीछे पर फिर पलटिएगा मत, पूरा गांव बोला है भैया जिसको वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो हम अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं, देखिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहां के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलो ना भाई, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। पीछे का आदमी सब राम कथा सुनने आया है। अरे बोलो भैया, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू बनके अयोध्या में राम मंदिर बनाने के नाम पर। सारा हिंदू लोग बोला भाजपा को वोट दो कि अयोध्या में राम लला का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल का ठिकाना नहीं है, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन गया कि नहीं बना? बन गया। अरे भाई बोलो, मंदिर बना कि नहीं? सब दूध दही बेच रहे हैं, कुछ मुंह में खाते नहीं है, जवान नहीं है। अरे राम मंदिर बना है कि नहीं बना? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का गणना अभी नीतीश जी कराए हैं कि नहीं कराए? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर, लोग कहता है कि विधायक सांसद को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर वोट दिए हैं। तो 5 वर्ष विधायक सांसद अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा
रोज टीवी पर, मोबाइल में, होर्डिंग पर हर जगह दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो गुजरात में तो भैया मोदी जी विकास कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री चल रही है। अब पूरा बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कोरोना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला, इस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला, आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में हम लोग कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बात बताने के लिए पैदल चल रहे, वोट नहीं मांगते, यही बता रहे। होइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपको रोजगार कहां से मिलेगा, वोट दीजिएगा जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से होगा, अगर वोट दीजिएगा नेताओं के लिए तो आपके बच्चों की चिंता कौन करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो नेता आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? बिहार में लोगों को अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है, उसको नेता का चिंता है। मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे इसका गणना कर रहा है, यहीं से गांव में बैठ के बता रहा है कि इस बार लालू यादव कैसे जीतेंगे, उसको मालूम है मोदी इस बार प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, उसको खाली ये नहीं मालूम है कि हमारे बच्चे को चपरासी का नौकरी कैसे मिलेगा। गांव में यहाँ इतना ज्ञानी है, हम पैदल चलते हैं, इतना ज्ञानी है बताता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, यहाँ से बैठे बैठे नाप लिया है, खाली अपने बच्चे का सीना सिकुड़ाया है ही नहीं दिख रहा, यही दुर्दशा है यहाँ के लोगों। अभी हम आपको दिखाते हैं, अभी 2 गो सवाल पूछे हैं, 2 गो बाकी है, अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण। जरा हाथ उठाकर बताइए, आप जीव दुनिया में और कुछ हो या न हो, आपके लिए अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? है कि नहीं? जरा जिसको इसको हाथ उठाकर बोलिए, तो अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है, ठीक बात, दुनिया फिर पीछे से गरज रहा है, किसको नहीं रहेगा बच्चा का चिंता? हम कह रहे किसी को नहीं है, सब झूठ बोलो एक बार में, पूरा गांव झूठ बोल रहा है, आप भी झूठ बोल रहे हैं। अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा रोड पर मिला है, आपके बच्चे मिले हैं, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, आपका बच्चा कहीं पढ़ता हुआ नहीं मिला, या तो पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के 10 बजते रोड पर घूरा पर घूम रहा है, ये हमारा बच्चा नहीं है, आपका बच्चा है। लोग कहता है भैया इतना गरीब है कैसे अपना बच्चा को पढ़ाए, कैसे कपड़ा पहनाए? मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपके बच्चों को इतना, आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, खाने पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, वही नेता कल आएगा चुनाव में, जितना लोग अभी हाथ उठाए थे सब आदमी इसी हाथ से जाकर जाति या धर्म के नाम पर उसका बटन दबाएगा और कह रहा है कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। इसी कोरोना में आपके घर के बच्चों को पूरा देश से मार मार कर भगा दिया गया, आपका जान फंसा हुआ था, आपके घर के बच्चे, आपका पति, भाई, भतीजा, बाबूजी पैदल चल के आया, कोई 1 महीना में, कोई 2 महीना में, वही आदमी वापस गया, फिर उसके परिवार का आदमी जाति के नाम को फिर जाके उसी को वोट दिया। आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा आप बताइए? आप आए हैं यहाँ गांव में हमको देखने, लोग कह रहा है भैया प्रशांत किशोर बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, भैया आप सुधारिए, सब आप आगे आगे चलिए,
हम लोग सब आपके साथ चलेंगे, आप बिहार को सुधारिए, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आप जैसे लोगों का साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा, आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होइएगा। अरे हम 17 महीना नहीं 17 साल चल दें तब भी आप सुधरने वाले नहीं। आपका यहाँ जितना लोग बैठा है कोई ऐसा घर नहीं, परिवार नहीं, जिसके घर का जवान लड़का, पति आपका बेटा आपको छोड़कर मजदूरी करने नहीं गया। हम तो 17 महीना से घर छोड़े हैं, आपका बच्चा 2 साल 4 साल 5 साल से आपको छोड़कर गया है। हम अभी बीमार पड़ेंगे, यहाँ से हेलीकॉप्टर से घरे जाएंगे, आपका बच्चा वहाँ बीमार पड़ जाए, आपका पति बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। वो आदमी जहाँ मजदूरी कर रहा है, वो अपना जीवन खपा रहा है, पेट काटता है, वहाँ बैल की तरह काम कर रहा है कि घरे 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछिए वोट काहे दिए थे, कहता हमारा जात वाला खड़ा था, मुर्गा भात बटा गांव में, सब आदमी दिया, हम भी दे दी। मोदी जी का लहर चला, पुलवामा पर बम गिर, पुलवामा के हो गया इसलिए वोट दे दिए, मियां जी लोग को हराना था इसलिए वोट दे दिए। मेरे भाई तुम्हारे बच्चे के पेट में खाना नहीं है, तुम्हारे बच्चे के लिए रोजगार नहीं है, आप वोट दे रहे हो पाकिस्तान और चाइना के नाम पर, तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा। यही बात बता रहे, हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। आपको हुआ है चीनी का रोग, आ नेता लोग आकर आपको गुड़ और चीनी और लड्डू खिला रहा है, आ खूब मजा ले लेके आप पी रहे। कहता है एक बिहारी 100 पर भारी, लड़का सब खूब ताली बजाता है। मेरे भाई एक बिहारी जो है वो 100 पर भारी नहीं है, एक गुजराती है जो 100 को बिहारी को अपने यहाँ खटा रहा है मजदूर बना के, और फिर भी हम लोग का आंख नहीं खुल रहा। ये दुर्दशा हम लोगों ने अपना कर लिया, इसीलिए पैदल चल रहे, वोट नहीं मांग रहे, आपको हाथ जोड़ रहे हैं। अरे ये अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखो, आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया, अब क्या सुधरेगा। अब यहाँ विद्यालय बन जाए, आप पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी अगर आप सुधर जाइए कम से कम आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा, इसलिए ये पैदल चल रहे। अभी से भी जगिए, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए जगिए, न तो लिख के रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आने वाले समय में आपके हमारे बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। अब आपको एक मंत्र देकर जाएंगे, इतना देर में आपको बताए कि आपका दुर्दशा क्यों है, अब इससे निकलने का एक रास्ता बताएंगे, उसको याद रखिए और अपने आप आपके बच्चों का भला होगा, गरीबी दूर होगी। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, शब्द याद रखिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है कि मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है कि लालू जी को इस बार जिताना है इसलिए वोट दो, किसी को मोदी जी को जिताना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक रास्ता सिखा रहे हैं, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, विचारधारा के लिए नहीं, तो सबके लिए वोट देके आप देख लिए आपका जीवन नहीं सुधरा। एक बार आप अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए और आपका जीवन सुधरेगा। लोग कहता है कैसे होगा, हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा।
आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारी बात मानिए, आपके वोट में इतना ताकत है, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। ये आपके वोट में इतना ताकत है। और वोट मुफ्त में किसी को मत दीजिए, अपने वोट का सौदा ठीक कीजिए। आप दूध दही बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं तो भी पैसा लेते हैं। यहाँ दूध बेचने वाले लोग होंगे, अगर 50 रुपया का दूध है अपने जात वाले को बेचोगे तो भी 50 रुपया लोगे, मुफ्त में नहीं दोगे। तो अगर 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं देते हैं तो लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्त में क्यों दे रहे हो? अपने जात वाले को देना है वोट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने वोट का कीमत तो उससे लीजिए। अपने बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई तो मांगो रे भाई, और न मांगोगे मुफ्त में देते रहोगे तो गरीबी कभी खत्म नहीं होगा। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके वोट का कीमत कितना है। आपको आप गुणा गणित करके आपके वोट का कीमत बता देते हैं। आप फिर जिसको बेचना है बेचिएगा, लेकिन उसी का भाव लीजिएगा। यहाँ आदमी कहता है एको हमारा वोट से क्या होगा, एक वोट देकर जिसको आप देश में प्रधानमंत्री बनाए हैं वो आदमी आपके एक वोट से हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है आपके एक वोट से। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप मोदी जी को 4 किलो अनाजे पर दे दिए, एगो सिलेंडर के लालच में दे दिए। एक वोट देकर जिसको आपने बिहार का राजा बनाया, नीतीश जी लालू जी, ये हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपया। और आप इतना बड़ा तिजोरी का चाबी जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए, मुर्गा भात खा के दे दिए, दूगो पाउच पी कर दे दिए। तो 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान तो भैया होगा ही होगा। लाखों रुपया का वोट 4 किलो अनाज पर मोदी को दीजिए कि लालू जी को दीजिए, नीतीश को दीजिए कि प्रशांत किशोर को दीजिए, नुकसान आपका और आपके बच्चों का होगा ही होगा। यही बात बताने आए हैं। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट एक बार हमारी बात मानिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और वोट का कीमत सही लगाइए। आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। जो दे उसको वोट दीजिए, न दे तो मत दीजिए, तभी आपकी गरीबी खत्म होगी। बात ठीक लगे तो इसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। लोग कहता है कि हम जिसको सलाह दे दें, 10 वर्ष में हमने जिसको सलाह दिया वो सब आदमी जीत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो गया। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता को नहीं, बिहार में गांव-गांव जाकर लोगों को सलाह दे रहे और आपको हाथ जोड़कर यही सिखा रहे, एक बार जीवन में जगिए, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए जगिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार पर वोट का सौदा कीजिए, आपके बच्चों का जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाकर घर जाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। सब दूध दही बेचा रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, सब बेचा रहा महंगाई के जमाना में, जय बिहार। पीछे
का जितना लड़का खड़ा है बोलो जय उड़ीसा। बिहार बोलने में लाज लग रहा है, जय बिहार।